नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अभी हाल ही में डिप्लोमा ट्रेनिंग अप्रेंटिस यानी कि डिप्लोमा से अप्रेंटिस और आईटीआई से अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है। और ये जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है ये निकली है नॉर्थ इंडिया में, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट में ये रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये भर्तियाँ निकली हुई हैं और इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इसके लिए जो सिलेबस होगा वो भी क्या होगा और इसकी फ़ीस डिटेल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए देखिए कहाँ कहाँ पे निकली हुई है अप्रेंटिस के लिए। तो सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली में टोटल 30 सीटें हैं और ट्रेनिंग पीरियड होगा 12 मंथ। तो इनका जो आईटीआई वालों का ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 12 मंथ होगा और टोटल दिल्ली में है 30 सीटें, जनरल की 16, एससी की 4, एसटी की 2 और ओबीसी की 8। हरियाणा में 33 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में भी सीटें निकली हुई हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 है। ये सारी सीटें जो हैं ये आईटीआई वालों की हैं। अब आईटीआई वालों में ट्रेड जो है वो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, ये 5 ट्रेडें हैं, ठीक है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, उसके बाद से पंजाब में 31 हैं, राजस्थान में 31 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 86 सीटें हैं और उसके बाद से उत्तराखंड में 7 सीटें हैं। तो ये थे सब आईटीआई वालों के, जो आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस था उसके लिए ये सीट थे हर स्टेट वाइज। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी सेम है, डिप्लोमा और इनका दोनों का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो सेम है 12 मंथ। और इसमें देखिए डिप्लोमा में कौन कौन से ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं, वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सभी ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली में जो सीटें हैं वो है 30 सीटें, हरियाणा में सीटें हैं 33, हिमाचल प्रदेश में है 5 और जम्मू कश्मीर में है 5, पंजाब में है 31 और राजस्थान में है 31, उत्तर प्रदेश में है 87 और उत्तराखंड में है 8, छत्तीसगढ़ में है 5, दिल्ली में है 5 और हरियाणा में है 7। ये सब अकाउंटेंट की हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटेंट की हैं और ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं 3, पंजाब में हैं 8, राजस्थान में हैं 7 और उत्तर प्रदेश में जो है वो 19 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं। तो जो टोटल सीटें हैं वो 523 सीटें हैं, ओवरऑल 523 सीटें, ठीक है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो आईटीआई होगी, आईटीआई वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा और ग्रेजुएशन होगी अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। अब इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं क्या रहेगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटर्न और पर्सनल इंटरव्यू बेस होगा। तो रिटर्न टेस्ट जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होंगे और जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और रिटन का 85% वेटेज रहेगा और 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। और रिटन में जो होगा आपका नॉन टेक में होगा जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एबिलिटी होगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होगी यानी कि ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। और जो टेक्निकल में होगा वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, जो भी आपकी ट्रेड होगी उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये नॉन टेक और ट्रेड टेक दोनों ही डिटेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद से जो इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है
कि 17/11/2018 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और ये 27/10/2018 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे ये भी देख लीजिए, 10th या 12th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मेंशन, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके बाद से जो भी आपका ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, तो उसका जिस हिसाब से आप जिसके लिए एप्लीकेबल हैं उसका आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, और जो होगा उन सभी के अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसका डेट होगा एग्ज़ाम डेट 25/11/2018 को होगा, और रिटर्न टेस्ट विल कंडक्ट एट चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली, ये चार सेंटर आपके रहेंगे। तो सेंटर कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली। और इसका अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।